बहुत शुक्रिया चंद्रा साहब, बिल्कुल बहुत टाइम कम है और आपने जो बहुत चीजें हैं वो हम करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं मोहतरमा शर्मिला पाक साहब से कहूंगा वो आए स्टेज पे और अपने माता दादी शुक्रगुजार हूँ। मौलाना साहब के बारे में मेरे ख्याल है कि जो बातें प्रोफेसर साहब ने की हैं और जो बातें छापरा साहब ने की हैं उस तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। ये वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने उनको करीब से ना सिर्फ समझा बल्कि उनके ऐसे लम्हात उनके साथ थे जो मैं समझती हूँ कि जिससे हम मुस्तफीद ना हो सके। लेकिन वो कौमें जो अपने अजीम रहनुमाओं को याद नहीं रखती वो कामयाब नहीं होती। मौलाना साहब ना सिर्फ एक सहाफ़ी थे, एक शायर थे, बल्कि एक निडर मुसलमान लीडर थे, एक ऐसे बेबाक लीडर थे जिन्होंने बरसगीर के नौजवान मुसलमानों को बेदार किया अपनी लिखाई से, अपनी शायरी से, हमदर्द कॉमरेड और जो तरीके खिलाफत जो उन्होंने शुरू की थी वो कि वो कामयाब अगर ना हो सकी अपने हुकूम में, लेकिन उसने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और ऐसे अजीम नौजवान रहनुमा की तहरीक पाकिस्तान में शमूलियत हुई जिसके लिए हम मौलाना साहब की पूरी कौम जो है वो मशहूर है। मौलाना साहब हमेशा यकीन रखते थे जमहूरियत में और जो उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, वो अगर हम आज मौजूदा हालात के वैसे मंजर में देखें तो कितना अप्रोप्रिएटली वो बैठता है, क्योंकि मौलाना साहब हमेशा जमहूरियत के हामी रहे और उन्होंने नौजवानों में एक जोश और बलबला पैदा किया और हमेशा उन्होंने गैर जमहूरी कुवतों का डट के मुकाबला किया। और अगर आज हम देखें तो आज ना सिर्फ पाकिस्तान में हमें वही मुश्किल दो चार हैं जो उस वक्त थी कि आज भी हम गैर जमहूरी कुवतों का मुकाबला कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी जमात का यहाँ पर नाम हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मैं ये बात बड़े फख्र से कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत की तारीख में जो अपना खून देके एक तारीख में एक रकम कायम की है और इस हवाले से जो आज की जो नौजवान हैं उनको अगर वो तालीमात जो मौलाना साहब देते थे वो उससे अगर उनको उनको बेदार किया जाए, वो शऊर उनमें पैदा किया जाए तो आज हम तमाम लोग मौलाना साहब की तालीमात से मुस्तफीद होंगे। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप प्रेस क्लब में तो करते हैं ये हर साल आप एक प्रोग्राम ज़रूर करें, लेकिन आप हर माह किसी न किसी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी कॉलेज में जाके मौलाना साहब की तालीमात के हवाले से वहाँ पर सेमिनार करें और मौलाना साहब के हवाले से जो उनकी तालीमात थी, जो एक बेबाक लीडर, जो एक लीडर थे जिन्होंने जिस तरीके से कौम को बेदार किया उस हवाले से अगर आप शऊर फैलाएं तो उसके लिए हम आपके साथ तआवुन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं अक्सर हमने देखा है कि उनमें मायूसी आ जाती है और मायूसी कुफर है। जिस तरीके से राशिद साहब ने फरमाया कि दुनिया भर में मुश्किलात हैं, दुनिया भर में रिसेशन है, दुनिया भर में महंगाई है, दुनिया भर में बेरोजगारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और मायूस हो जाएं और ये कहें कि जी हम इस मुल्क से बेदार हैं या हमें इस मुल्क में कुछ नहीं दिया। हमें अपनी तारीख के वर्क पलट के देखने हैं किस तरीके से हमारे लीडर लीडरान ने कौम को बेदार किया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कौम को बेदार किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कौम को बेदार किया और जिस तरीके से हमें आगे चलना है हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। पाकिस्तान ने हमें एक शनाख्त दी है, पाकिस्तान ने हमें एक नाम दिया है, ये परचम जो है सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हमारी शनाख्त है और आज दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान एक जमहूरी ममालिक है और फख्र से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आज जमहूरियत जो है वो पनप रही है, जमहूरियत जो है मजबूत होने जा रही है। हमें आज भी उन तमाम गैर जमहूरी अनासिर से डट के मुकाबले करना है और उसमें हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है। तो मेरी आपसे डॉक्टर साहब यही गुजारिश होगी कि जहाँ कहीं आपको हुकूमत की ताबत की जरूरत है मौलाना साहब की तालीमात को फरोग देने के हवाले से हम उसके लिए हाजिर हैं। राशिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले साल भी मैं मौजूद थी इस प्रोग्राम में, इस दफा मौजूद हूँ तो हुकूमत की जो विल है
और हुकूमत अपनी जगह मौलाना साहब की जो तालीमात है उसके हवाले से बिल्कुल एक शऊर रखती है और ये समझती है कि अपने जो निडर लीडरान हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। हर साल हम पीटीवी पे सही यहाँ बैठे हुए, हम हर साल पीटीवी पे हम प्रोग्राम करते हैं मौलाना साहब के लिए, लेकिन मेरी यहाँ पर दीगर मीडिया से भी यही गुजारिश है कि मौलाना साहब जैसे जो दो बरादरान हैं उनकी जो खिदमत रही है पाकिस्तान के हवाले से, बड़े सगीर के हवाले से, जो उन्होंने एक शऊर बेदार किया मुसलमानों में, उसको भी उजागर करें, ये इनका भी फर्ज है। और ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, बहुत ज़रूरी है कि इस जैसे मासूम छोटे बच्चे जिनको इस उम्र से हम ये तालीमात दें ताकि इनको पता चले कि इनके दरमियान कितने अजीम लीडर रह चुके हैं। अगर आज पाकिस्तान एक जमहूरी इस्लामी ममालिक है तो उनके पीछे कितने लीडरान की कुर्बानियां हैं, काविशें हैं और जदोजहद शामिल है। मैं इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करूँगी और इंशाल्लाह आपसे हर साल मुलाकात होती रहेगी और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि हम मौलाना साहब की तालीमात को आगे लेके चलें और साल के साल ये प्रोग्राम ना करें बल्कि हर माह एक प्रोग्राम करें ताकि हमें भी शऊर हो, हम भी सीखते हैं। छापरा साहब की बातों से आज हम मुस्तफ़ीद हुए, प्रोफेसर साहब की बातों से हम मुस्तफ़ीद हुए, हमने सीखा कि हमारी तारीख क्या है, हमारी तारीख में जो हमारे लीडरान हैं वो किस तरीके से जद्दोजहद करते थे और हमें भी वो जज्बा और वो एक शौक पैदा होता है कि हम भी उनके नक्श कदम पर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का धन्यवाद। और ये हमने इसके बाद भी हमने टैलेंट हंटिंग का एक कैंपेन चला आज के हवाले से यहाँ पर अहम है आज